त्रिकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। त्रिकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। त्रिकुटी में जगती ज्योति, ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही, ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही, इसका परिचय सबको करा में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। त्रिकुटी में जगती ज्योति, आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के, आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के, सबको पिला दो। त्रिकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। त्रिकुटी में जगती ज्योति, यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंछी मूल वतन का, यह तन पिंजरा पांच तत्व का, बता दो। त्रिकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो।
सारे दिन में बार बार कंसीडर करेंगे
ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी एक मिनट निकाल इस अभ्यास को
ओम शांति। चारों तरफ से मन बुद्धि को समेट कर अपने ज्ञान नेत्र को भ्रुकुटी के मध्य में एक बिंदु पर स्थित कर ले। संपूर्ण ध्यान एक बिंदु पर एकाग्र, शरीर एकदम शिथिल, कर्मेंद्रिया शांत शीतल, बिल्कुल भी हलचल नहीं। ना तन की हलचल, ना मन की हलचल, बुद्धि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र एक बिंदु पर एक टिक स्थिर। अनुभव करेंगे एकाग्रता की शक्ति से पैरों से लेकर मस्तक तक संपूर्ण शरीर की चेतना धीरे धीरे समेट कर भ्रुकुटी के मध्य पर एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो गई है। फील करेंगे उस ऊर्जा के अति सूक्ष्म बिंदु को वो मैं हूं। मैं एक ऊर्जा पुंज हूं। पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा। शरीर से पूरी तरह डिटैच्ड, ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे बस मैं ही मैं हूं। बस मैं ज्योति बिंदु आत्मा और कुछ भी नहीं। तत्व से बना यह शरीर जैसे है ही नहीं। बॉडीलेस स्टेज।
शरीरी स्थिति मैं चेतन आत्मा अलग और यह शरीर अलग अब मैं आत्मा मन बुद्धि द्वारा इस शरीर से बाहर निकलकर ऊपर की ओर कुछ दूरी पर स्थित हो जाता हूं। अशरीर स्थिति में स्थित मैं आत्मा साक्षी होकर देख रहा हूं अपने ही अचेतन शरीर को। कोई हलचल नहीं, इस विनाशी शरीर से कोई लगाव नहीं, अटैचमेंट नहीं, कोई मोह नहीं। अब बस एक विदेही बाप में ही मोह, एक से ही संबंध, एक से ही नाता, एक से ही वास्ता, एक से ही रिश्ता, एक ही रास्ता। नीचे के सारे रास्ते बंद, तो मुझ आत्मा को बस एक ब्रह्मलोक का रास्ता ही नजर आ रहा है। पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा पिता की याद में मगन मैं आत्मा तत्वों से बना शरीर इस पंच तत्व की दुनिया में ही छोड़कर प्रयाण करता हूं ब्रह्मलोक की ओर। देखेंगे अपने आप को एक तेजस्वी सितारे के रूप में तीव्र गति से ब्रह्मलोक की ओर उड़ते हुए। अपने दिव्य ऊर्जा के प्रकंपन विश्व के वायुमंडल में चौओर फैलाते हुए अंतरिक्ष को भी अपनी ऊर्जा प्रदान करते हुए मैं आत्मा ऊपर की ओर उड़ते जा रहा हूं। अंतरिक्ष को पार कर अब पहुंच जाए ब्रह्मलोक में।
इस अथांग फैले हुए ब्रह्मांड में प्रवेश करते ही मुझे सर्वशक्तिवान शांति के सागर परमात्मा के अस्तित्व की अनुभूति हो रही है। दिव्य अलौकिक ऊर्जा के असीमित स्रोत परमपिता शिव परमात्मा से निकलते दिव्य ऊर्जा के प्रकंपन पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रहे हैं। शांति और शक्तियों का समुंदर चारों ओर लहरा रहा है। शांति और शक्तियों के प्रकंपनों से पूरा ही ब्रह्मांड दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत है। मैं आत्मा भी ब्रह्मांड में फैली हुई परमात्मा दिव्य ऊर्जा से सराबोर हो रहा हूं। शांति के सागर ज्ञान सूर्य शिव बाबा अब मुझे अपनी किरणों रूपी आंचल में समा लेते हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अलौकिक स्नेह से भरपूर कर रहे हैं। परमात्मा स्नेह के आंचल ने पुरानी दुनिया को भुला दिया है। एक बाप मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब और कुछ भी पाने की इच्छा नहीं। एक ही इच्छा थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा को मिलने की, उसे पा लिया, सारा जहां पा लिया। तो विदेही बाप ही मेरी दुनिया है। पांच तत्वों की दुनिया की
अब जरा भी स्मृति नहीं। पूरी तरह डिटैच्ड, अशरीरी स्थिति, बस मैं और बाबा। मैं बाबा का और बाबा मेरा, और कोई बात नहीं। जी करता है बाबा के पास मूल वतन में ही रह जाओ। अपने मूल स्वरूप में स्थित मैं बिंदु आत्मा और मूल वतनवासी ऑलमाइटी बिंदु शिव बाबा और तीसरा कोई नहीं। कुछ समय के लिए अशरीर स्थिति में मूल वतन में ही स्थित रहता हूं। अब मैं आत्मा बाप समान बनकर लौट चलता हूं पांच तत्वों की दुनिया की तरफ। नीचे उतरते हुए मैं साक्षी भाव से अपने शरीर को देख रहा हूं। साकार सृष्टि पर पहुंचकर फिर से प्रवेश करता हूं अपने स्थूल शरीर में। अब सदैव यही स्मृति की मैं हूं ही अशरीरी आत्मा। चलते फिरते कर्म करते स्वयं की व दूसरों की आकृति को देखते हुए भी न देख, आकृति के अंदर स्थित आकर्षण रूप आत्मा को ही देखता हूं। हरेक के मस्तक के बीच चमकती मस्तक मणि को ही देखता हूं। देह भान व्यक्त भाव के आकर्षण से परे अब संकल्प मात्र भी इस साकार शरीर से लगाव नहीं।
साकार दुनिया की किसी भी चीज से लगाव नहीं। बुद्धि से पूरी तरह डिटैच्ड, शरीर के भान में आना और सेकंड में शरीर के भान से निकलना एकदम सहज। जब चाहे शरीर का आधार लेकर कर्म किया और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अशरीरी स्थिति में स्थित। अभी अभी शरीर रूपी वस्त्र धारण किया और अभी अभी शरीर रूपी वस्त्र उतारकर अशरीरी स्थिति में स्थित। अभी अभी शरीर में, अभी अभी अशरीर। निरंतर अशरीरी स्थिति। शिव की